ओनली सुपर क्विज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। भवाई खालिस्तान का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। भवाई इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ। इसके आंसर ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए गुजरात। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसके ऑप्शन है 1510, 1524, 1502 और 1514। इन विच वर ईयर वाज दी बैटल ऑफ गोवा फोर्ट। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 1510। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। वो वाज द लास्ट रूलर ऑफ वाघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात आफ्टर हुज डिफीट द किंगडम वाज पास टू अलाउद्दीन खिलजी। इसके ऑप्शन है ए अर्जुन देव, बी सारंग देव, सी करण देव, डी राम। इसका सही आंसर है सी करण देव। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा के सुनहरे सुंदरीकरण के लिए प्रसिद्ध है जिसे पूर्व में गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता था। इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज दी गोल्डन टेंपल। इसके ऑप्शन हैं ए महा सिंह, बी रंजीत सिंह, सी दिलीप सिंह, डी चरत सिंह। इसका सही आंसर है बी रंजीत सिंह। जिसे शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ द मराठाज टू द ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार। वर्ष डैश में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके ऑप्शन है ए 1792, बी 1811, सी 1818, डी 1806। इसका सही आंसर है सी 1818। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार द सेकंड द बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वर फोर्ट इन द ईयर डैश। इसके ऑप्शन है ए 1945, बी 1943, सी 1942, डी 1944। ए 1945, बी 1943, सी 1942, डी 1944। इसका सही आंसर है 1944। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाई। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ए ज्योतिराव फुले, बी हरिदास ठाकुर, सी नारायण गुरु, डी रमाबाई सिंधे। इसका सही आंसर है ए ज्योतिराव फुले। अगला क्वेश्चन है हू अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था। ए यशवंत राय बच्चन, बी इंदिरा गांधी, सी सवर्ण सिंह, डी जगजीवन राम। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी जगजीवन राम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। ए मुबारक शाह, बी आलम शाह, सी मोहम्मद शाह, डी खिजर खां। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली। इसका सही आंसर है डी खिजर खां। खिजर खां पहला सैयद शासक था। रानी की वाव द क्वींस स्टेप वेल विच इज इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन। रानी की वाव रानी का कुआं जो यूनेस्को विश्व धरोहर है कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्युपाइड बाई। साई उपाधि अधिनियम 1976 के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद किसके पास था। ए विलियम इवार्ट गैस्टोन,
बी आर्थर बालफोर, सी जॉन रसेल, डी बेंजामिन डिसरायली। इसका सही आंसर है डी बेंजामिन डिसरायली, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दी मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी की माँ थी, ए पुतलीबाई, बी हीराबाई, सी कमलाबाई, डी कस्तूरबाबाई। इसका सही आंसर है ए पुतलीबाई। मान है इन 1872 लॉर्ड मेयो वाज द विक्ट्री ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड इन, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या खालिस्तान में कर दी गई थी, ए पोर्ट ब्लेयर, बी दीव, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई थी और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली जनगणना शुरू हुई थी और उसके बाद 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हर 1900 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर वाज सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, ए 1865, बी 1873, ए 1865, बी 1873, सी 1861, डी 1870। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है 1873, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोट द कोट द शॉट्स दैट हिट मी आर द लास्ट नेल्स ऑफ टू द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, मुझे लगने वाली गोलियां भारत में ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में अंतिम कील हैं, यह कथन किस स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है, ए लाला लाजपत राय, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी भगत सिंह, डी राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोट बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक ए रिवोल्यूशन, दिस वर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्पन्ड ऑन द वेटिंग स्टोन ऑफ आइडियाज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, बम और बंदूकें क्रांति नहीं लाती हैं, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर की प्रतीत होती है, इस कथन को संबंध किस स्वतंत्रता सेनानी से है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी लाला लाजपत राय। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है भगत सिंह, सी। और भगत सिंह ने ही अपने दो राजगुरु सुखदेव के साथ मिलकर 1928 में HSRA का गठन किया था। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है, व्हेन वाज जीरो आवर इंट्रोड्यूस्ड इन दी पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया, भारत में संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया था, ए 1952, बी 1962, सी 1972, डी 1982। व्हेन वाज जीरो आवर इंट्रोड्यूस्ड इन दी पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया, ए 1952, बी 1962, सी 1972, डी 1982। इसका सही आंसर है 1962, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट मींस, वोट ऑन अकाउंट से क्या तात्पर्य है, ए योजना बिल की वैधानिक स्वीकृति, बी धन विधेयक की वैधानिक स्वीकृति, सी केक द्वारा उत्पादित खाता जांच और दस्तावेजों की रिपोर्ट की वैधानिक स्वीकृति, डी योजना बिल के पारित होने तक अनुदान की मांगों संबंधित व्यय की वैधानिक स्वीकृति। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, योजना बिल के पारित होने तक अनुदान की मांगों से संबंधित व्यय की वैधानिक स्वीकृति, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली एज, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रम से भारत के संविधान में कितनी तय की गई है, ए 500 एंड 250, बी 525 एंड 270, सी 537 एंड 275, डी 545 एंड 250। इसका सही आंसर दीजिए, सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है डी 545 एंड 250, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 545 और 250।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की दो न्यायिक शक्तियों क्षमा और सतगण के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द टू जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमिशन एंड रिस्पाइट। ए, क्षमा और सतगण दोनों की प्रकृति स्थायी है। बी, क्षमा और सतगण दोनों की प्रकृति अस्थायी है। सी, क्षमा की प्रकृति अस्थायी है जबकि सतगण की स्थायी है। डी, क्षमा की प्रकृति स्थायी है जबकि सतगण की प्रकृति अस्थायी है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्षमा की प्रकृति स्थायी है जबकि सतगण की प्रकृति अस्थायी है। रिमिशन ऑप्शन सी गलत है, बल्कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वन फीचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ऑफिस ऑफ कैग। निम्नलिखित निकायों में से कौन सी विशेषता समान है, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, यूपीएससी के कार्यालय। ए, ये सलाहकार निकाय हैं। बी, ये अतिरिक्त संवैधानिक निकाय हैं। सी, दे आर कंट्रोल्ड बाई लेजिस्लेचर, ये विधायिका द्वारा नियंत्रित हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये संवैधानिक निकाय हैं। इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन डी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये संवैधानिक निकाय हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाते समय किस देश के संविधान से महासंघ का प्रावधान लिया गया है। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए, अमेरिका, यूएसए, बी, यूके, ब्रिटेन, सी, कनाडा, डी, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित कौन सा लेख संबंधित है। विच आर्टिकल डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। इसके ऑप्शन है ए, आर्टिकल 74, बी, आर्टिकल 75, सी, आर्टिकल 77, डी, आर्टिकल 78। इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 78, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी। ए, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। बी, राज्यसभा की कुल संख्या का 15%, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। सी, लोकसभा की कुल संख्या का 20%, 20% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। डी, राज्यसभा की कुल संख्या का 20%, 20% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, अनुच्छेद 75 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, मंत्रिपरिषद में शामिल हैं ए, कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कैबिनेट मंत्री और राज्य के मंत्री। बी, डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। सी, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री। डी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ ए, रिलीजन, धर्म, बी, कास्ट, सी, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। डी, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है सी, समूह की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाई कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी, सामूहिक जिम्मेदारी से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी जिम्मेदार है। ए, पार्लियामेंट, संसद, बी, लोकसभा, सी, राज्यसभा, डी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है लोकसभा, बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी इज, कैबिनेट समिति है ए, एक समाधिक संवैधानिक संस्था, बी, एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था, ए, सी, एक न्यायिक संस्था, डी, एक अर्ध न्यायिक संस्था। इसका सही आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर है बी, एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया? विच एक्ट इज डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बी चार्टर एक्ट ऑफ 83, बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सी पिट्स इंडिया एक्ट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सर्वोच्च प्रतिनिधित्व वाले दो राज्य कौन से हैं? विच आर द टू स्टेट्स अदर देन यूपी हैविंग द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा? ए बिहार एंड मध्य प्रदेश, बी बिहार एंड महाराष्ट्र, सी कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु एंड राजस्थान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एक्सक्लूसिवली एंड टोटली असाइंड टू द जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर विशेष रूप से पूरी तरह से केंद्र सरकार को सौंपा गया है? इसके ऑप्शन है ए संपदा शुल्क एस्टेट ड्यूटी, बी सेल्स टैक्स विक्रय कर, सी टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्राइट्स रेलवे के किराए और माल भाड़े पर कर, डी कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, दी फर्स्ट क्वेश्चन इज दी सोरो ऑफ बिहार इज, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ए दामोदर, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। इसका सही आंसर है बी कोसी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, के बीच की उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, ए जल विभाजक वाटर सेट, बी वाटर डिवाइड जल विभाजन, सी दोआब, डी तराई। इसका सही आंसर है सी दोआब। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लीस्ट एरिया? आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा, डी गोवा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और लाइव चैट में कोई नहीं लिखेगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी साइट शामिल की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ए चिल्का झील, बी डल झील, सी नागिन झील, डी सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध बांखड़ा बांध कहां पर बनाया गया है? द हाईएस्ट डैम इन इंडिया बांखड़ा इज बिल्ट ऑन, ए व्यास नदी, बी झेलम नदी, सी सतलुज नदी, बी डी घाघरा नदी। इसका सही आंसर दीजिए, सभी को पता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतलुज नदी, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द रिवर ऑन विच इंदिरा सागर डैम इज प्लान टू बी कंस्ट्रक्टेड? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाने की योजना है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है सी नर्मदा, नर्मदा नदी पर इंद्रसागर बांध बनाने की योजना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन विच स्टेट इज द सलीम अली बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान।
इसका सही आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है बी गोवा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम डज ब्रह्मपुत्र टेक एज इन डिस्चार्जेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम जाना जाता है, ए गंगा, बी जमुना, सी पद्मा, डी मेघना। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है मेघना। और आपको पता है गंगा को वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और मेघना को ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है बंगाल खाड़ी में गिरने के बाद, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज इन, भारत में सबसे तेल पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, ए हल्दिया, बी बॉम्बे, हाई सी नेवेली, डी डिगबोई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिगबोई, जो असम में है, इसे ऑयल सिटी ऑफ असम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अरुण द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, पी कावेरी, क्यू कृष्णा, आर गोदावरी, एस महानदी। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पी क्यू आर एस, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट शुड बी दी प्रोपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर इंडिया टू मेंटेन हर इकोलॉजिकल बैलेंस, भारत को अपने पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन आवरण का कितना अनुपात चाहिए, ए 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3%, डी 44.4%। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 33.3%, 33.3%, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान को सूर्य की लंबत किरणें प्रदान नहीं होंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विल नॉट गेट द रेज ऑफ द सन वर्टिकली, ए श्रीनगर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर, सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए टू विच ग्रुप डज दी ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया बिलोंग, भारत की काली कपास मृदा का संबंध किस समूह से है, ए लेटराइट, बी पोडजोल, सी चरनोजम, डी कछारी। इसका सही आंसर है सी चरनोजम, भारत की काली कपास मृदा ये कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसको चरनोजम कहा जाता है, चरनोजम के समूह में आती है ये, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ए चंडीगढ़, बी पौंडीचेरी, सी लक्षद्वीप, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और 28 स्टेट्स हो गए हैं, ये तो आपको पता होगा, जिसमें 2 नए यूनियन टेरिटरी जुड़ी हैं जम्मू और लद्दाख। सभी लाइव चैट में इसका आंसर लिखेंगे, लद्दाख की राजधानी कौन सी है, कमेंट में भी लिख सकते हैं पर लाइव चैट में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेजेंट नेम ऑफ कामरूप इज, कामरूप का वर्तमान नाम क्या है, ए असम, बी बिहार, सी बंगाल, डी मणिपुर। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर है ए असम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कामरूप का वर्तमान नाम असम है। असम को असम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक अहोम नाम की जनजाति आ गई इसलिए इसका नाम असम पड़ा, अहोम से असम नाम बनाया गया और असम सर्वाधिक चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है, नागपुर में कम वर्षा होती है क्योंकि एक सह्याद्री पर्वत के संदर्भ में स्थित है। नागपुर गेट्स स्केंटी रेनफॉल बिकॉज इट इज लोकेटेड विद रेफरेंस टू सह्याद्री माउंटेन्स टुवार्ड्स ए विंडवार्ड साइड वायु की ओर, बी सीवार्ड साइड समुद्र की ओर, सी ऑनशोर साइड तटवर्ती ओर, डी लीवार्ड साइड हवा की दिशा में। इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी हवा की दिशा में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।